हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आज की वीडियो है कोलियस के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोलियस मेरे फेवरेट प्लांट्स में से एक प्लांट है, क्योंकि ये प्लांट की ब्यूटी बहुत ही अच्छी है। इसके लीव्स देखिए, इसके लीव्स कितने ही ब्यूटीफुल हैं। इसके लीव्स का कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अंदर बहुत सारी वेराइटी भी आती है। मेरे पास है ब्राउन और ग्रीन कलर के लीव्स का ये कोलियस है। इसके अंदर रेड और ग्रीन भी आता है और अलग अलग वेराइटी के इसके अंदर कलर्स आते हैं। और इसके अंदर कभी कभार ऐसे ये फूल भी लगना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें इसको काट लेना चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा देर तक ये फूल को मैं रहने दूंगा तो ये पावर खींचता रहेगा और मेरे लीव्स को पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी ब्यूटी इसके लीव्स में है, ना ही इसके फूल में। तो अगर ये फ्लावरिंग करे या ना करे उसका मुझे टेंशन नहीं है। अगर फ्लावरिंग नहीं करे तो भी टेंशन नहीं है, अगर फ्लावरिंग करे तो भी टेंशन नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे इसके फ्लावर को तो कट करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे इसकी ब्यूटी पसंद है, इसके लीव्स के अंदर ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। अब इसके केयर में मुझे इतना ज़्यादा, ये बहुत ही ईजी गोइंग प्लांट है, केयर इसको इतनी चाहिए नहीं। लेकिन हर प्लांट्स को थोड़ी बहुत देख रेख तो चाहिए। भले हम सब बोलते हैं कि ये प्लांट ईजी गोइंग है, या तो ये प्लांट ऐसा है, ये प्लांट बहुत ही ईजी है, लेकिन हर एक प्लांट को थोड़ी बहुत तो केयर चाहिए। अगर हम प्लांट्स को केयर नहीं करेंगे तो ये प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसकी केयर की बात करता हूँ तो स्टार्टिंग में मैं सॉइल से ही करता हूँ। तो इसको सॉइल चाहिए थोड़ी वेल ड्रेन्ड सॉइल कैसी होनी चाहिए, वो मैंने आपको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मिसकॉन्सेप्शन के वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था। वेल ड्रेन्ड सॉइल में इसको चाहिए थोड़ी सैंडी सॉइल, जिसके अंदर 50% मिट्टी और 50% सैंड मिक्स हो। तो अगर आप 50% मिट्टी और 50% सैंड मिक्स करेंगे तो ये सॉइल के अंदर मॉइस्चर भी बना रहेगा और ज़्यादा जल्दी ये सॉइल ड्रेन ड्राई नहीं हो जाएगी। क्योंकि इसको मैं 50% का आपको सजेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये रीज़न है, क्योंकि ये प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है, इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट्स के जो स्टेम है, जो आप ये जो अंदर का जो स्टेम है, वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा गल जाएगा और प्लांट धीरे धीरे झुक जाएगा और मर जाएगा। तो आप इसको अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये हालत हो जाएगी प्लांट की। तो अगर आप अपने प्लांट को हेल्थी रखना चाहते हो, ऐसे ही मतलब अच्छे हरे भरे ग्रीन्स लीव्स और इतने सारे जो हरा भरा प्लांट को रखना चाहते हो, तो प्लांट्स को ज़्यादा पानी ना दो। ये प्लांट को भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अगर आप इसको पानी डालना हो तो हर वीक में दो बार पानी डालिए, या तो 2 दिन के अंतर में पानी डालिए। और अगर 2 दिन के अंतर के अंदर प्लांट्स के लीव्स ऐसे झुक जाए, ये जो प्लांट्स के लीव्स हो वह झुक जाए, ये जो प्लांट्स के लीव्स हैं हमारे ऐसे पूरे झुकना स्टार्ट कर दे, तो इसके अंदर पानी डाल दे, तो मतलब ये इंडिकेशन है कि प्लांट्स पानी मांग रहा है। अगर जब भी लीव्स ऐसे झुके झुके आपको दिखे प्लांट्स के, कोई भी प्लांट्स के, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करता, कोई भी प्लांट्स के लीव्स अगर आपको झुके झुके दिखे तो वो इंडिकेट करता है कि उसको पानी की ज़रूरत है। तब उसको आप पानी डाल दीजिए, अच्छी तरह पानी डाल दीजिए। और एक बार पानी डालने के बाद नेक्स्ट डे अगर इसकी मिट्टी गीली हो तो उसके अंदर पानी ना डालें। मिट्टी को थोड़ा ऊपर से ड्राई होने दे, ड्राई आपको लगे कि मिट्टी ऊपर से पूरी तरह ड्राई हो गई है और अंदर से थोड़ी बहुत तो मॉइस्चर होगी ही मिट्टी में, तो आप ऊपर से थोड़ा पानी डालिए, बहुत पूरा भर भर के पानी नहीं डालना है हमें। तो ये बात हो गई मिट्टी की और पानी की। अब बात आएगी इसके लीव्स की, इसके लीव्स से रिलेटेड आ जाएगी बात पेस्टिसाइड्स की। तो फ्रेंड्स, इसके लीव्स जनरली जो पत्ते खाने वाले जो कीड़े होते हैं, पेस्ट होते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं, जो इसके पत्ते खाते रहते हैं और इसकी पत्ते की ब्यूटी को ख़राब करते हैं। तो हमें वो पेस्ट के लिए जो मेरा रेगुलर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ये देखिए, इसके एक भी पत्ता इसका ख़राब नहीं है। ये प्लांट मेरे पास से लगभग 3-4 महीने से ऐसे ही है और इसके एक भी लीव्स ख़राब नहीं है, एक भी लीव्स पे पेस्ट ने अटैक नहीं किया है। क्योंकि मैं इसके ऊपर रेगुलरली हर 3 दिन या तो 4 दिन में पेस्टिसाइड्स अप्लाई करता हूँ, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हमेशा लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट देता है और इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। और इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करें। केमिकल पेस्टिसाइड्स बहुत ही फास्ट होते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट आता है, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे होते हैं और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको रिज़ल्ट देगा।
लेकिन आपको यूज़ रेगुलर करना है, हर 3 दिन या तो 4 दिन में एक बार इसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए। और इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको कभी फर्टिलाइज़ किया ही नहीं है। मैं सच बोलूँ तो मैंने आज तक इसके अंदर एक भी फर्टिलाइज़र डाला नहीं है, एक्सेप्ट मैं डालता हूँ काउडंग लिक्विड नाइट्रोजन, जो मैंने एक वीडियो बनाई है काउडंग लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर। मैं हर वीक हर संडे को सभी प्लांट्स में इंक्लूडिंग ये प्लांट, इसको भी मैं हर वीकली एक बार काउडंग लिक्विड नाइट्रोजन में देता हूँ, क्योंकि ये पत्तों वाला प्लांट है, इसको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई भी दूसरा केमिकल नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र हो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कितना अप्लाई करना है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं किया है मेरे प्लांट्स के अंदर। मैंने हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स ही यूज़ किया है, तो मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि इसके अंदर हम केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कितना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक की बात आती है तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि वीकली एक बार जो काउडंग लिक्विड नाइट्रोजन मैंने आपको जो वीडियो में मेरी बताया है वो आप वीकली एक बार यूज़ कर सकते हैं, जो उसका काउडंग लिक्विड का जो पानी है वो आप इसके अंदर थोड़ा डाल दीजिए तो इसको जो नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए वो मिल जाएगी। और एक्स्ट्रा में तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मैंने दिया नहीं है, जैसे कि पोटेशियम फास्फोरस वो ऐसी कोई भी चीज़ मैंने नहीं दी है, और ये प्लांट अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई है और इसके लीव्स भी अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा मैंने फर्टिलाइज़ तो करता नहीं हूँ, विदाउट फर्टिलाइज़र भी ये प्लांट अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा। ये प्लांट 12 महीनों का प्लांट है फ्रेंड्स, अगर आप गर्मियों में भी ये प्लांट्स को अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं, सर्दियों में भी ग्रो कर सकते हैं, बारिशों में भी ग्रो कर सकते हैं, तो ये प्लांट आपके यहाँ पूरे 12 महीने चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप वाटरिंग पे कंट्रोल करें तो। बस यही एक मेन चीज़ है कि इसके ऊपर अगर ज़्यादा पानी चला गया, इसके सॉइल के अंदर ज़्यादा पानी चला गया तो ये प्लांट्स मरने की नौबत पे आ सकता है, वैसे ये प्लांट्स हमेशा अच्छी तरह ग्रो कर जाएगा। अब बात करते हैं ये प्लांट्स को सनलाइट की कितनी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत है, इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको सनलाइट की ज़रूरत है, मींस जो सूरज की रोशनी है वो इसे पसंद है, लेकिन आप इसको इंडोर में ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इंडोर रखेंगे तो इंडोर में शायद आप ऐसी जगह पे जाके रख दें जहाँ लाइट बहुत कम आती हो, वहाँ पे ये अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। एक्चुअली मैंने कभी इंडोर में रख के इसको ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखिए कि इंडोर में क्या रिज़ल्ट आता है। मैंने हमेशा मेरे सभी प्लांट्स को मेरे टेरेस पे ही रखा है, और टेरेस में मैंने इसको शेडी एरिया में रखा है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, और अगर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट गिर जाए तो इसके कलर, जो लीव्स के कलर है वो सारे फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, इतने ब्राइट कलर्स नहीं दिखेंगे, इसके सारे कलर्स लाइट हो जाएंगे और दिखने में प्लांट ख़राब दिखेगा। इसीलिए आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इसको आप शेडी एरिया में रखें जहाँ सनलाइट की लाइट आए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आए। और ये प्लांट बहुत ही इजी गोइंग प्लांट है, इजी गोइंग मींस इसकी तो ज़बरदस्त मैं बोल सकता हूँ कि इतनी इजी गोइंग प्लांट है, इजी गोइंग प्लांट है कि आप इसकी कटिंग कहीं से भी आप कट कर लो, ये प्लांट को कटिंग कट करने के बाद आप कोई भी सॉइल में इसको डाल दो, कटिंग यहाँ से कट कर ली और सॉइल के अंदर डाल दी, ये 3 दिन के अंदर ये प्लांट के अंदर से रूट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इतनी अच्छी इसकी इजी गोइंगनेस मैं बोलता हूँ ये प्लांट की, कि आप इसको कट कर दो, कट करने के बाद आप इसके सॉइल के अंदर, इसके अंदर जो भी इसके बाजू में ही आप उसको डाल सकते हो, वही सॉइल में आप उसको डाल सकते हो, और ये वो कटिंग आराम से उसकी ग्रो कर जाएगी। अगर आप लीव्स नहीं काटे फिर भी आप लीव्स के समेत आप वो कटिंग आप अपने सॉइल के अंदर डाल दो, वो प्लांट अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। 3 दिन के अंदर उसके रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, 10 दिन में वो प्लांट अपने नए लीव्स निकलना स्टार्ट कर देगा। तो ये बहुत ही इजी गोइंग प्लांट है और कटिंग के ज़रिए भी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और ये प्लांट को मैं जल्दी मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में करने वाला हूँ। अभी ये प्लांट की साइज़ बहुत छोटी है, ये प्लांट बहुत छोटा है, धीरे धीरे मैं अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दूसरा और 1 फुट जितना बढ़ जाएगा उसके बाद मैं इसकी कटिंग 2 से 3 कटिंग में डाल दूँगा और इसको डबल करूँगा।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी गोइंग और ब्यूटीफुल प्लांट है, हमारी गार्डन की खूबसूरती बढ़ाएगा ऐसा प्लांट है। अगर आप चाहे आप भी अपने घर पे ऐसा प्लांट ये कोलियस लाके रख सकते हैं। बहुत ही इजी गोइंग प्लांट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, हर एक नर्सरी में आपको मिल जाएगा। और केयर में बस जो इतनी थोड़ी बहुत जो टिप्स मैंने दी है उतनी केयर आप रेगुलर बेसिस पे अपने प्लांट को करते रहे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो कर जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, गुड बाय। अब मैं और ये प्लांट आप अपने घर पे लाइए और अपनी गार्डन की खूबसूरती बढ़ाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।